अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक गेस्ट हैं फजल रहमान साहब, और उनसे हम बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। ही इज़ द प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ हायर कुकिंग एंड स्मॉल अप्लायंसेज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। टेल अस अबाउट द स्मॉल अप्लायंसेज दैट हायर हैज ऑफर्ड अस। हायर स्मॉल अप्लायंसेज के अंदर हमारे पास तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो छोटी जो घर की नीड्स हैं उनको पूरा जो हम हाउसवाइफ्स को किचन में चाहिए, जिसमें फूड फैक्ट्री है, हैंड बीटर है, टोस्टर है, सैंडविच मेकर है, उसके अलावा मीट ग्राइंडर है। इसको आप अपने जो नॉर्मल यूज जो पोर्ट करती हैं चीज़ें, वो हमारे पास स्मॉल अप्लायंसेज के अंदर। हायर कुकिंग पाकिस्तान की मार्केट के मुताबिक हम लोगों ने बनाई। इसके अंदर हायर कुकिंग के अंदर हमने हर वो तबके को मोनिटर करने के बाद अपनी हायर कुकिंग को मार्केट के अंदर लॉन्च किया, जिसमें सिंपल मॉडल, मिडल रेंज हाई एंड पीपल के लिए तमाम वो प्रोडक्ट जो उनके घर की नीड को पूरा करते हैं उसके मुताबिक बनाए गए। इसके अंदर हम लोगों ने जो इस हायर कुकिंग जो बेस करती है वो हुड हॉब बिल्टन और बिल्टन माइक्रोवेव पे बेस करते हैं। बहुत सारे एपिसोड्स में मैंने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं, स्पेशली चूल्हा तो हम हर रोज़ ही ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं, बिल्टन माइक्रोवेव, बिल्टन ओवन भी बहुत दफ़ा हम बहुत सारे एपिसोड्स में यूज़ कर चुके हैं। हुड के मतलब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह पहले वक्तों में एक एग्जॉस्ट फैन होता था या चिमनी जिसको बोलते थे, जिसके ज़रिए जब आप कुक करते थे जो स्मोक होती थी या ऑयल पार्टिकल्स होते थे वो उस एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर जाते थे। जैसे जैसे अब टेक्निक चेंज होती जा रही है, वक्त चेंज होता जा रहा है, तो ये जो एग्जॉस्ट और चिमनी के लिए एक नई चीज़ आ गई है, उसको हम हुड यूज़ करते हैं। हुड क्या है जी? जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो जो स्मोक और ऑयल पार्टिकल जो उस कुकिंग के दौरान में बर्नर के अंदर से निकलते हैं वो ऊपर जाते हैं, वो हुड उसको सक्शन के ज़रिए ये कैच करके अपनी चिमनी के ज़रिए उसको बाहर निकाल देता है। हुड के अंदर हमारे पास टी शेप के अंदर, स्लांटेड के अंदर, आर्क के अंदर मॉडल्स अवेलेबल हैं। हुड में भी अलग अलग हुड में मॉडल अवेलेबल हैं। टी शेप जिसको आप जो खाने के हॉब के ऊपर होता है, आर्क जो उसको पूरी तरीके से कवर कर लगाया हुआ है, इसको टी शेप बोलते हैं। अच्छा, कुकिंग कर रहे होते हैं तो स्मोक बहुत ज़्यादा किचन के अंदर पैदा होती है, क्योंकि ये बेसिक जो घरों में यूज़ होने वाला है, सबके घरों में लेडीज़ इसको यूज़ कर रही होती है, तो जो जो स्मोक है वो स्मोक अगर प्रॉपर तरीके से सक हो गई या प्रॉपर तरीके से किचन से बाहर नहीं जाती तो उसके बाद ये जो है वो उसकी हेल्थ, जो औरत उसको यूज़ कर रही होती है यहाँ पे जो कुकिंग कर रही होती है उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अच्छा, सक्शन पावर के अंदर हमारे पास जो हम उसको यूज़ करते हैं वो है 16 मीटर क्यूबिक पर मिनट से लेकर 22 मीटर क्यूबिक पर मिनट। अब ये ज़रा लेमेंट, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब स्मोक आपके किचन के अंदर जमा हो जाती है, हुड के अंदर जो सक्शन पावर है वो 16 मीटर क्यूबिक पर मिनट से लेकर 22 मीटर क्यूबिक पर मिनट के अंदर है। इसी तरह वो साइज़ के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से है, कुछ मॉडल के अंदर वो 16 मीटर क्यूबिक पर मिनट है, उसके बाद कुछ 19 मीटर क्यूबिक पर मिनट है और कुछ 22 मीटर क्यूबिक पर मिनट है। उससे क्या होता है कि ये जितनी स्मोक है वो जल्दी से उस हुड के ज़रिए या चिमनी के ज़रिए सक होती है और यार ऑयल पार्टिकल्स को वो ऊपर उठा के लेकर जाती है और उसके एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकाल। ओके, ठीक है। सो बहुत सारी बातें हो गई इस हवाले से। अब आज बिकॉज इट्स अ कुकिंग शो, वी हैव टू डू सम कुकिंग ऑल्सो। चॉकलेट चिप कुकीज़ हम बना रहे हैं, जो कि हम बनाएंगे हायर के बिल्टन ओवन में, और रोटिसरी यूज़ करते हुए आज हम बना रहे हैं रोटिसरी चिकन। सो आप भी आएंगे ज़रा, और थैंक यू। हम बना रहे हैं आज रोटिसरी चिकन, ठीक है, और बहुत ही कम अज्जा के साथ। आई गॉट पेपरिका, मक्खन, नमक और काली मिर्चें, दैट्स इट। रोटिसरी चिकन में आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है कोई मिर्च मसालों की, एंड वी आर गोइंग टू यूज़, देखें यहाँ हमने ये पार्ट्स रख दिए हैं, आप यहाँ से आ जाइए। ये है फॉर टिक्का बोटी, सही है, ये आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे हमारे व्यूअर्स को। जब आप लोगों ने कोई बारबेक्यू करना है या टिक्का बोटी बनाना है तो आप इसको मैरिनेट करने के बाद, वो जो मैडम मैरिनेट करेंगी उसके बाद वो आपने इसको यहाँ पर लगाना है और इसको एक रॉड के ज़रिए हम इसको फिक्स करेंगे और इसको टोस्टर ओवन के अंदर जब लगाएंगे तो उसको उसके फीचर और फंक्शन के मतलब हम आपको बताते हैं कि वो उसको किस तरह ऑपरेट किया जाता है। ये पूरी फुल चिकन है, ठीक है, इसको आपने मैरिनेट करना है। सो नमक, काली मिर्चें, ठीक है, और पेपरिका पाउडर फॉर अ नाइस कलर। पेपरिका पाउडर बहुत तीखा नहीं होता है, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये अच्छी तरह आपने इसके ऊपर पूरे चिकन पे अच्छी तरह लगाना है और फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन डालना है। मक्खन डालने के बाद हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह इस पर पूरा मक्खन लगाएंगे। रोटिसरी का जो ये रॉड है यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है,
इस पे हम इस चिकन को रख के हायर के टोस्टर ओवन में रख देंगे, ठीक है। यहाँ से ये खुलता है, ये दोनों यहाँ से स्क्रूज खुलते हैं ताकि आप आराम से इसको रख सकें। दिस आर वेरी शार्प, लेकिन ये पूरे मीट को आप पूरा होल्ड करेगा, होल्ड करेगा तो ही ये फिर टर्न होगा और रोटेट होगा और फिर ये पकेगा, राइट। ओके, चलिए, सो लेट्स डू दिस। मसाला अच्छी तरह लगाइएगा। माई सजेशन इज़, जब भी आप कोई भी चीज़ रोटिसरी में बनाएं, इस तरह फुल चिकन पकाएं, इवन रोस्ट करें चूल्हे पे, तो इस चिकन को आप बड़े से एक पतीली में बहुत सारा पानी डाल के, अबाउट क्वार्टर कप सिरका डाल के छोड़ दीजिएगा 3 से 4 घंटे फ्रिज में। उसको कहते हैं ब्राइनिंग। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैं तो चिकन फुल रोस्ट करती हूँ तो ओवरनाइट रख देती हूँ सिर्फ पानी और सिरका डाल के। उससे क्या होता है, ब्राइन हो जाता है, उससे मीट बहुत टेंडर हो जाता है। अगले दिन आप पकाएंगे उसको अच्छी तरह धो के उस सिरके वाले पानी में से निकाल के, तो आप नोटिस करेंगे कि जूसी बनेगा चिकन, ड्राई आउट नहीं हो जाएगा और उसके साथ साथ बहुत जल्दी पक भी जाएगा। अच्छा जी, जब तक मैं इसको अच्छी तरह मैरिनेट करती हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब यहाँ मैंने रोटिसरी के रॉड के अंदर देखें चिकन इस तरह लगा दी है, कैन यू सी दिस, ठीक है, अच्छी तरह। नीचे ये ट्रे भी है, कोई भी स्पिल्स होंगे, इसके जूसेस होंगे, ये सारा यहाँ कैच कर लेगा। अब वील स्टार्ट विथ दिस। ये यहाँ टाइमर है, सो मैं इसको टाइमर आप सेट कर लीजिए। फिर ये फंक्शंस हैं जिसमें हम इसको एक्सट्रीम राइट पे कर देंगे। फिर टेम्परेचर मैं 200 डिग्रीज करूँगी, और ये जो है इसके बारे में फजल रहमान साहब आपको बताएंगे। ये कन्वेक्शन, इसमें एक हमारे पास फैन है, एक रोटरी रॉड है, जिसको आप सेपरेट सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फैन के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं तो फैन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रोटिस्ट्री करना चाहते हैं तो रोटिस्ट्री भी कर सकते हैं। लेकिन एक हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको कॉम्बो फंक्शन बोलते हैं, जिसमें फ़ैन भी हो जाता है और रोटिस्ट्री भी हो जाता है, जिससे फूड जो है वो 3D में आपका इन आउट और जो मिडल है वो फूड प्रॉपर कुक करता है। ओके, सो यू कैन सी इट बीइंग रोटेटेड। ओके जी, दैट्स एक्सेलेंट। तो इसको अब टाइम लग जाएगा रोटिसरी चिकन को, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि जो हमारी दूसरी रेसिपी है चॉकलेट चिप कुकीज़, वो भी हम साथ साथ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज उसको मुझे हायर के बिल्ट इन ओवन में बनाना है। ओके, सो नाउ आई हैव गॉट ऑल माई इन्ग्रीडियंट्स हियर। मैं आपको बताती चलूँ, इसमें हम डालेंगे अखरोट और चॉकलेट चिप्स। आप कोई सी भी अपनी फेवरेट चॉकलेट को चॉप करके डाल सकते हैं। मैदा है, अंडा है, वेनिला एसेंस है, बेकिंग सोडा है, चीनी है, और ये सारी चीज़ें बस एक बोल में डालिए। कौन सा क्विजीन अच्छा लगता है आपको, क्या अच्छा लगता है खाने में? मैं देसी फूड को लाइक करता हूँ, और उसके अलावा जो मुझे केक है वो अच्छा लगता है। ओके, चले आज केक नहीं है तो कुकीज़ हैं। ओके, सो वील डू दैट। ये है, फिर इसमें हम ब्राउन शुगर भी डालेंगे और पिसी हुई सफ़ेद चीनी भी जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम बीट कर लेते हैं। इसमें हम एक अदद अंडा शामिल कर देते हैं, वेनिला एसेंस चला जाएगा, मैदा है, बेकिंग सोडा है, और अच्छी तरह हर चीज मिक्स करने के बाद मैं इसमें अखरोट और चॉकलेट चिप्स डालूंगी। चॉकलेट चिप्स, अखरोट, ठीक है जी। अच्छा, अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं।
ओके, सो फजल रहमान साहब मुझे बताइए कि हायर का जो एयर फ्रायर है और टोस्टर ओवन है, हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड बेटर देन अदर ब्रांड्स इन द मार्केट? जो हमारे पास हायर टोस्टर है, हायर टोस्टर ओवन, जिसके अंदर अभी आपने ये चिकन बनाया है, ये मार्केट के अंदर जो ब्रांड्स हैं या नॉन ब्रांड्स हैं उनके अंदर तीन फंक्शंस हैं, हमारे पास इसके अंदर चार फंक्शंस हैं जो चार नॉब के जरिए ऑपरेट होता है। और इसका जो साइज़ हम लोग जो 45 लीटर और 62 लीटर कहते हैं वो साइज़ के अंदर बिल्कुल ठीक है, और जिसके अंदर आप अपनी हर तरह की कुकिंग को कर सकते हैं। एयर फ्रायर के मतलब जो मार्केट के अंदर एयर फ्रायर अवेलेबल है, और हमारे एयर फ्रायर के अंदर जो फीचर है कि हम लोग लेस देन 80% ऑयल के अंदर वो चीज़ कुक होती है। जो चीज़ आप पका रहे हैं वो उस चीज़ के जो जो अंदर पानी है उस चीज़ के के साथ ही उसको पकता है, सिर्फ उसको आपको थोड़ा सा ऑयल उस जी मैंने लिटरली सिर्फ एक चमचा तेल लगा के टेम्पुरा बनाए थे, बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है ताकि वो जो उसकी कुकिंग है वो अच्छी तरह हो सके। ठीक है। और जो आजकल के कंडीशंस है, जो डॉक्टर भी ऑयल से मना कर रहे हैं, तो हमारे एयर फ्रायर के अंदर लेस देन इसी 80% के जरिए वो कुक करता है। अब हम इसको स्कूप्स निकालिए और इसको आप बेक करने रख दीजिए। ठीक है, चॉकलेट चिप एंड वॉलनट कुकीज। स्कूप से निकालने का फायदा ये है कि यूनिफॉर्म एक ही साइज और एक ही साइज के कुकीज रखना बहुत जरूरी इसलिए है कि यूनिफॉर्म बेकिंग भी होता है उसमें। तो अब मैंने यहाँ ट्रे पे हमारे चॉकलेट चिप एंड वॉलनट कुकीज़ रख दिए हैं बेक होने के लिए हायर के बिल्टन ओवन में। ओके, सो नाउ वी पुट द कुकीज़ टू बेक। रोटिसरी चिकन भी हमारी रोटेट हो रही है और इसके जूसेस नीचे ड्रिप हो रहे हैं। So yeah, this is also happening. अच्छा, 125 ग्राम मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसमें मैंने आधा टीस्पून जितना वनीला एसेंस डाला था, एक तिहाई कप जितनी पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, एक तिहाई कप जितनी ब्राउन शुगर थी, एक अदद अंडा था, एक कप मैदा था, और मैंने इसमें बेकिंग सोडा आधा टीस्पून जितना डाला था, 150 ग्राम जितने मिल्क चॉकलेट चिप्स डाल दें, मिल्क चॉकलेट चॉप करके डाल दें, कोई भी अपनी फेवरेट चॉकलेट चॉप करके डाल दें, और आधा कप जितने अखरोट थे वो भी चॉप करके, सारी चीज़ें मिक्स करके डो को आप लोग थोड़ी देर के लिए हायर के फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए, और उसके बाद निकालिएगा छोटे बॉल्स बना के उसको बेक कर दीजिएगा हायर के बिल्टन ओवन में। ठीक है, सो नाउ वील हैव टू वेट फॉर देम टू बेक। तब तक हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। तो ब्रेक से वापस आ गए हम, वेलकम बैक। अब हम फजल साहब से पूछेंगे कि डिफरेंट सीरीज क्या हैं इस बिल्टन ओवन के। बिल्टन ओवन के अंदर हमारे पास दो सीरीज हैं, इसमें एक ड्यूल फंक्शन है और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फंक्शन है। ड्यूल फंक्शन के अंदर एक जो हमारे पास एक गैस प्लस इलेक्ट्रिक, जिसमें दो तरह से वो ऑपरेट होता है कि नीचे वाले हिस्से में गैस है, ऊपर वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो जो आप उसके अंदर पिज़्ज़ा या केक या जो चीज़ आप पकाना चाहते हैं वो पकाते हैं, तो वो सिर्फ उसको कुक करता है। जब आपने उसको गार्निशिंग या रेडिश करना है या ब्राउनिश करना है तो उसको इलेक्ट्रिक के ऊपर पोर्शन पे लेकर आएंगे, तो वो उसको इलेक्ट्रिक करेंगे। इसी तरह हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सीरीज है, जिसके अंदर आप नीचे या ऊपर इलेक्ट्रिक से उसको कुक भी करेंगे और गार्निश या रेडिश या ब्राउनिश भी करेंगे। ओके, अच्छा, आई डिडंट नो कि ड्यूल भी इस तरह होता है। वाओ, दैट्स नाइस। अच्छा, जो कुकीज़ हमने बनाए थे वो हो गए थे, ठंडे कर दिए थे हमने रैक पे। जब आप हायर का बिल्टन ओवन खरीदेंगे तो उसके साथ ये बहुत ही अच्छा इतना बड़ा सा कूलिंग रैक भी आपको मिलेगा। और हमेशा मैं कहती हूँ कि कूलिंग रैक तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कोई भी चीज़ आपने बेक की हो उसको ठंडा करना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप उसको रखें किसी भी प्लेट पे या प्लेटर पे या एयर टाइट डब्बे में। नीचे से हवा लगनी चाहिए, कुकीज़ को नीचे से हवा लगेगी तो वो सॉगी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ अ टिप। और यहाँ आई तो मैंने कहा ज़रा देख लूँ, हमारा रोटिसरी चिकन इतना अच्छा कलर आ गया है, रोटेट हो रहा है, कुक हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट डन। और जो भी जूसेस इसके ड्रिप हो रहे हैं वो यहाँ नीचे हो रहे हैं,
सो यहाँ नीचे एक ट्रे है जिसमें ये इसको कैच करेगा। कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएं हायर के, जो किचन के प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको बताता हूं जी, हमारे पास हुड के मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हॉब के मतलब आपको बताते हैं कि हॉब के अंदर हमारे पास 3 बर्नर 5 बर्नर जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील और ग्लास के अंदर वो हमारे पास अवेलेबल है। और उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज हमने ऐसी यूज़ की हुई हैं कि जैसे हॉब के अंदर आपको पता है FFD डिवाइस, फ्लेम फेलियर डिवाइस इसको बोलते हैं। जब आप कुछ के अंदर कोई चीज़ दूध को बॉयल कर रहे हैं या कुछ चीज़ को कुक कर रहे हैं, तो जब वो चीज़ कुक होती है तो जब वो पकते पकते अगर आपका ध्यान नहीं होता और किचन की में पकाने वाली औरत उस किचन के अंदर नहीं खड़ी होती, तो जैसे वो चीज़ नीचे गिरती है तो वो आग को भी बंद कर देती है और गैस को भी बंद कर देती है, जिससे क्या होता है कि गैस जो है वो किचन के अंदर भरती नहीं है। लेकिन मार्केट में जो चूल्हे अवेलेबल हैं वो इसी तरह जब उसके ऊपर पकते हुए कोई चीज़ नीचे गिरती है, दूध या कोई चीज़, तो वो आग को तो बंद कर देते हैं लेकिन गैस को बंद नहीं करते, जिससे होता है गैस भर जाती है किचन के अंदर। तो सडन औरत आके उसको आग को जलाने की कोशिश करती है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। लेकिन हायर जो है वो अपनी कुकिंग के अंदर FFD डिवाइस को इंश्योर करता है ताकि जो कुक करने वाले लोग औरत है वो इससे महफूज रहे। इसीलिए तो इसको कहते हैं सेफ एंड स्मार्ट। इसी तरह स्मार्ट एंटी ड्राई प्रोटेक्शन का एक फंक्शन है, अगर आप उसके अंदर कोई चीज़ रखते हैं और आपने उसको अंदर कोई लिक्विड चीज़ नहीं डाली तो वो थोड़ी 3 मिनट के अंदर ही वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा और वो आपकी चीज़ पकेगी नहीं। जिस तरह औरतों का कुकिंग करते हुए कुछ कोई कॉल्स आ जाती है या कोई बाहर कोई गेस्ट आ जाता है या उसको पकाते हुए कोई दूसरी एक्टिविटी कर रही होती है, तो ये स्मार्ट एंटी ड्राई प्रोटेक्शन का फंक्शन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है और ये एक एडवांस फीचर फंक्शन है। ओके चलिए जी, अब रेसिपी रिकैप की तरफ हम चलते हैं। आप देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। चॉकलेट चिप कुकीज, अच्छा मक्खन 125 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कस्टर्ड शुगर 1/2 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, अंडा 1 अदद, मैदा 1 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड मिल्क चॉकलेट 150 ग्राम, कटे अखरोट 1/2 कप। तरकीब, मक्खन फेंटकर चीनी अंडा और वनीला एसेंस मिक्स कर लें। अब इसे छने मैदे और सोडे में डालकर चॉकलेट और अखरोट में फोल्ड कर लें। अब इसे कुकी शीट में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। रोटेसरी चिकन, अज्जा साबित चिकन 1 अदद, नमक 1 चुटकी, पिघला मक्खन 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, साबित चिकन पर नमक और सीजनिंग लगाएं और रोटेसरी में डाल के 10 मिनट ग्रिल कर लें। अब मक्खन, नमक, पेपरिका और काली मिर्च मिक्स कर लें, फिर चिकन निकाल कर इस पर बटर मिक्सचर लगाएं और दोबारा चिकन गलने तक पकाएं, आखिर में इसे पीस के सर्व कर दें। ओके जी, हम आ गए। रेसिपी रिकैप आपने देख लिया होगा, आई होप आपने नोट कर दी होंगी दोनों रेसिपीज़। इसी तरह आप भी हायर के अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हुए हमारा शो भी देखिएगा, रेसिपीज़ भी ट्राई करिएगा। आज मैंने हायर का बिल्टन ओवन को इस्तेमाल करते हुए ये चॉकलेट चिप एंड वॉलनट के कुकीज़ बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार हैं, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड हमने आज हायर का टोस्टर ओवन का इस्तेमाल करते हुए रोटिसरी में ये चिकन रोस्ट किया है पूरा, बहुत ही मज़ेदार है, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू फजल साहब, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम निकाला और ये मज़े मज़े की टिप्स सारे किचन अप्लायंसेस की हमसे शेयर की, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और फजल साहब को इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात तो होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।